नमस्कार, जय माता दी। मित्रों, नवरात्रि अभी चल रही है, नवरात्रि का तीसरा दिन है और ये 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक नवरात्रि होगी। इस नवरात्रि में जो विशेष ध्यान देने योग्य बात है, जो मेरा आपसे कहने का इच्छा भी थी और आप लोग भी अगर इसको करते हैं तो आपको माता रानी की कृपा से आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपके धन संपत्ति, मान सम्मान, शक्ति, यश वैभव आपका बढ़ेगा। जिसमें जो मुख्य है, आप जब दुर्गा माँ की पूजा करें तो उसमें उनकी जो भुजाएं हैं, भुजाओं में लगे उनके जो शस्त्र हैं, उन सबको भी अपने अंदर जो है उनको कहते हैं कि उनकी शक्ति मांगने का प्रयास करिए। यही नहीं कि केवल माता जी हमको अच्छा धन दौलत दें, अच्छा पैसा दें, नहीं, माता जी की जो शक्तियां हैं आप उनको प्राप्त करने के लिए उनका भी आशीर्वाद मांगें कि हे माता, आप जिस तरह से दुष्टों का संहार करती हैं, जैसे आप एक शेर की सवारी करते हैं, उसी तरह से हमको भी वो शक्ति मिले, हमको भी वो ताकत मिले, जिससे हम अपने परिवार को मुसीबतों में बचा सकें और कोई भी ऐसी समस्या है जिसका भी कोई समाधान नहीं निकल पाया तो मुसीबत डट के खड़े हों और हमको वो शक्ति मिले। तो इसीलिए इस वर्ष आप जब भी नवरात्रि मनाएं या कहीं गरबा पंडाल में जाएं, गरबा खेलने भी जाएं, तो वहाँ इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी माता जी से, दुर्गा माँ से आप शक्ति मांगे, वो शक्ति जो आपके पूरे परिवार को, जो आपके बच्चों को सुरक्षित रखेगी और आपको धन वैभव सब कुछ मिलेगा अगर आपके पास शक्ति रहेगी। तो इसीलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।